हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इन्फॉर्मेटिव निब्बा में। दोस्तों, आज के इस वीडियो हम बताने वाले हैं कि अश्वगंधा आपको सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है और अश्वगंधा की खेती कहाँ होती है। दोस्तों, अश्वगंधा कम लागत में अधिक उत्पादन देने वाली औषधि फसल है। अश्वगंधा की खेती ज़्यादा लाभ प्राप्त कर सकते हैं। अन्य फसलों की तुलना प्राकृतिक आपदा का खतरा भी इस पर कम होता है। आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति में अश्वगंधा की मांग इसके अधिक गुणकारी होने के कारण बढ़ती जा रही है। अश्वगंधा का वैज्ञानिक नाम विथानिया सोमनीफेरा है। इसे अश्वगंध नागौरी, अश्वगंध विंटर चेरी और इंडियन जिनसेंग नामों से भी जाना जाता है। यह सोलेनेसी कुल का पौधा है। इसकी उत्पत्ति उत्तरी पश्चिम व मध्य भारत तथा उत्तरी अफ्रीका व मेडिटेरेनियन क्षेत्र में हुई है। यह फसल शुष्क और अर्ध शुष्क जलवायु में बहुतायत होती है। सामान्य रूप से हम यह कह सकते हैं कि यह अत्यधिक कम जल मांग वाली फसल है। दोस्तों, यह संपूर्ण भारत में लगभग 10,000 से 11,000 हेक्टेयर में होती है तथा लगभग 7,000 से 8,000 टन का जड़ का उत्पादन प्रतिवर्ष होता है। अश्वगंधा की खेती मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश और बिहार प्रांतों में काफ़ी समय से होती चली आ रही है। नवीन क्षेत्रों में आंध्र प्रदेश व तेलंगाना के असिंचित क्षेत्रों में इसकी खेती बड़े पैमाने पर हो रही है। केंद्रीय औषधि एवं सगंध पौधा संस्थान लखनऊ में कृषि विज्ञान और मृदा विज्ञान के शोधार्थी देवेंद्र कुमार बताते हैं, वर्तमान समय में पारंपरिक खेती में हो रहे नुकसान को देखते हुए अश्वगंधा की खेती किसानों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। दोस्तों, अश्वगंधा एक बहुवर्षीय पौधा है तथा यदि इसके लिए निरंतर सिंचाई आदि की व्यवस्था होती रहे तो यह कई वर्षों तक चल सकता है, परंतु इसकी खेती एक 6 से 7 माह की फसल के रूप में ली जा सकती है। प्रायः इसे देरी की खरीफ की फसल के रूप में लगाया जाता है तथा जनवरी फरवरी माह में इसे उखाड़ लिया जाता है। इस प्रकार इसे 6 से 7 माह की फसल के रूप में माना जा सकता है, जिसकी बिजाई का सर्वाधिक उपयुक्त समय सितंबर का महीना होता है। तो दोस्तों, आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। कल मैं फिर मिलूंगा एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।